नमस्कार, मैं प्रिया। आज 28 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सितंबर तक बंद रहेंगे बालू खनन, कोस्ट गार्ड ने इन पदों के लिए निकाली बंपर रिक्तियां। बिहारवासियों को आज भी बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं। बिहार के 38 जिलों में कुल मिलाकर खुलेंगे 76 ड्राइविंग स्कूल। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोस्ट गार्ड के इन पदों के लिए निकाली गई बंपर रिक्तियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। भारतीय तटरक्षक दल ने हाल ही में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन की माने तो इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई 2021 से शुरू होने वाली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2021 तय की गई है। इसके साथ ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामान्य ड्यूटी के पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 60% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों ने कम से कम 12वीं क्लास गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय के साथ पास किया हो। इसके साथ ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.joinindiancoastguard.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में सितंबर तक बंद रहेंगे बालू खनन। बालू खनन का काम बिहार में सितंबर महीने तक पूरी तरीके से बंद रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में 1 अक्टूबर से बालू खनन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से राजस्व की नई दर निर्धारित की जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार पहले से बंदोबस्त किए गए करीब 300 नदी घाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने का इंतजार अभी भी जारी है। इसके मिलने के बाद ही बंदोबस्तधारियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद से पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के मसौदे को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। डीडी बिहार पर आज से होगी कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई। बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पहली बार आज से डीडी बिहार पर पढ़ाई शुरू होने वाली है। बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सभी छात्र अपराह्न 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दूरदर्शन पर इस पाठशाला का हिस्सा होंगे। 3 से 4 कक्षा 1 से 3 विद्यार्थियों के लिए, जबकि 4 से 5 बजे तक 1 घंटा छात्र कक्षा 4 से लेकर कक्षा 5 के लिए शिक्षक उनके पाठ्यक्रम चर्चा से जुड़े पाठ को पढ़ाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार फिलहाल 28 जून से 31 जुलाई तक का समय 1 से 5वीं की पाठशाला के लिए रोजाना 2 घंटे का डीडी बिहार पर बुक कराया गया है। बहरहाल प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाई का यह अवसर प्रदान करने के लिए बीईपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार के पूर्व डीजीपी ने अपने बदले अंदाज को लेकर किया खुलासा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं इस बार उनके सुर्खियों में बनने का कारण उनका अलग अंदाज है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर निकल कर सामने आए हैं जहां पर गुप्तेश्वर पांडे एक कथावाचक के रूप में नजर आए हैं। वहीं अब इन सभी मामलों को लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने खुद ही व्यक्तिगत रूप से अपना बयान पेश किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि मैं 14 साल की आयु से ही हनुमान जयंती जैसे अलग अलग मौकों पर लोगों को मंदिर में प्रवचन सुनाया करता था। अध्यात्म में मेरी शुरू से ही रुचि रही है, इसमें नया कुछ नहीं है। सेवा अवधि में मैंने कुछ अनुष्ठानों में हिस्सा लिया, लेकिन ड्यूटी के दौरान ऐसे कथा कहने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरा मानना है कि ईश्वर के चरणों में जगह पाना इंसान का अंतिम लक्ष्य है। बिहार में बड़े पैमाने पर सीओ का हुआ तबादला। बिहार में बीते दिन बड़े पैमाने पर सीओ का तबादला कर दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग की घोषणा कर दी थी। राज्य मुख्यालय द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में 25% से अधिक अंक लाने वालों को ही अंचल में पदस्थापना किया जाएगा। सबसे बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को उनकी पसंद की जगह तैनाती की सौगात देने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 3 साल से एक ही जगह पर जमे अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मियों की कुंडली तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीओ के 35% पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। राज्य में 534 अंचल में से कुल मिलाकर 186 सीओ फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना के माहौल में जान गंवाने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। बिहार से बाहर देश विदेश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की जान कोविड-19 के कारण अगर गई है तो श्रम संसाधन विभाग उनके परिजनों को बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ देगा। इसको लेकर परिजनों को राज्य में किसी भी RTGS काउंटर से इसके लिए आवेदन करने की जरूरत होगी, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों के खाते में RTGS के माध्यम से पैसा निश्चित समय पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, योजना के अंतर्गत ट्रेन या सड़क दुर्घटना या फिर सांप काटने, में डूबने, आग, पेड़ और भवन के गिर जाने और जंगली जानवर द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना को शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से घोषित महामारी में मृत्यु के बाद प्रवासी श्रमिक इस योजना से जुड़ने का प्रावधान किया गया है।
नीतीश सरकार ने आधी आबादी को बिजनेस वुमेन बनाने की शुरू की तैयारी। नीतीश सरकार बीते कई दिनों से लगातार महिलाओं के उत्थान की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। बात चाहे पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की हो, सिपाही भर्ती में भागीदारी की हो, या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% की भागीदारी देने की हो, हर जगह बिहार सरकार महिलाओं का ध्यान रख रही है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार सरकार की तरफ से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन पार्टी की तरफ से करने का ऐलान किया गया है। इस आयोजन में सोशल मीडिया के जरिए बिहार की महिलाओं को जोड़ने की तैयारी देखी गई है। इस कार्यक्रम को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह संबोधित करते देखेंगे और बताया कि बिहार में महिलाओं के विकास के लिए नीतीश सरकार क्या क्या काम कर रही है। शिक्षकों के अनुपस्थित होने पर अब होगी कार्रवाई। COVID-19 के माहौल में बंद पड़े स्कूल को खोलने की तैयारी शुरू हो रही है। कई जिलों में स्कूल खोल भी दिए गए हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के आने पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल में केवल शिक्षक और कर्मचारी को ही बुलाया गया है, साथ ही उन्हें COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। नीतीश सरकार ने सभी शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अनुपस्थित पाए जाने पर इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कई स्कूल में शिकायत मिली है कि एक या दो शिक्षक ही स्कूल में आए हैं और अन्य लोग नहीं पहुंचे हैं, जिसकी औचक निरीक्षण कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्य को भी रिपोर्ट करने को कहा गया है। अगर शिक्षक उपस्थित नहीं रहेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहारवासियों को आज भी बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं। IMD पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सहरसा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज जिले में आज कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही एक या दो स्थान पर मेघार्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा एक या दो स्थान पर मेघार्जन और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। PhD एडमिशन टेस्ट के लिए छात्रों को 8 दिनों की दी गई मोहलत। मगध विश्वविद्यालय की तरफ से PhD में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को 8 दिनों की और ज्यादा मोहलत दी गई है, जिसके तहत विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों को एक बार फिर से मौका दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, PhD के लिए अप्रैल में ही आवेदन जमा करने की समय अवधि समाप्त हो चुकी थी। इससे पहले COVID-19 को लेकर विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी सहित लॉकडाउन के कारण आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, लेकिन लगातार छात्रों के आग्रह पर कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकृति प्रदान की है कि PhD के लिए आवेदन करने से वंचित छात्रों को एक बार फिर से अवसर दिया जाए। इसके बाद 28 जून से 5 जुलाई तक स्टूडेंट के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बिहार के 38 जिलों में खुलेंगे 76 ड्राइविंग स्कूल। बिहार में जब से सड़कें अच्छी बनी है, सड़क हादसे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले कुछ साल से आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें तो राज्य में हर साल करीब 7,000 लोगों की जान सड़क हादसे के कारण जा रही है, जिसको लेकर अब बिहार सरकार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नौसिखिया वाहन चालकों को पहले से ही कुशल प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कुल मिलाकर 76 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में राज्य पथ परिवहन निगम के नव निर्मित कैंपस में भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बन रहा है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए धनबाद, कटिहार, रोहतास और कैमूर में सिविल वर्क चल रहा है। इसके साथ ही सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग भी जागरूकता अभियान चला रहा है। 30 सितंबर तक वाहनों के जुर्माने से मिली छूट। अब लैप्स वाहनों के कागजात पर 30 सितंबर तक कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इनके रिन्यूअल में कोई पेनाल्टी राशि भी नहीं ली जाएगी। हालांकि ध्यान रहे, 1 फरवरी 2020 से लैप्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर यह लागू होगा। पहले यह अवधि 30 जून तक ही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने COVID-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए इसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैप्स कागजातों के रिन्यूअल नहीं होने के लिए परेशान थे। ऐसे वाहन चालक जिनके DL पिछले दिनों लैप्स कर गए हैं या जिनके वाहन के RC की अवधि समाप्त हो गई है, इनके रिन्यूअल अवधि में भी 3 महीने का विस्तार मिला है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने बड़ी खुशखबरी जारी की है, जिसके तहत बिजली की HT लाइन उपभोक्ताओं को अब बिजली कंपनी आने की जरूरत नहीं होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए खास किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जहां से सब कुछ ऑनलाइन संभव हो सकेगा, जिसकी व्यवस्था जल्द ही होने वाली है। मूल रूप से HT लाइन का संबंध औद्योगिक इकाइयों से होता है। इस सुविधा के आ जाने से सभी उपभोक्ता अपने कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ साथ समय पर लोड घटाने, बढ़ाने, सब्सिडी या फिर किसी अन्य सुविधा की और या फिर समस्या के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें तय अवधि में सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। बीच में किसी व्यक्ति से उनका संबंध नहीं रहेगा। उपयोगकर्ता की सलाह पर पोर्टल पर समय समय पर नई सेवाओं को भी डाले जाने की व्यवस्था होगी।
जल जमाव को लेकर पथ निर्माण मंत्री ने जारी किया बयान। कुछ घंटे की हुई बारिश में राजधानी पटना एक बार फिर जलमग्न नजर आया था, वहीं उसके बाद से ही लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है। इसी बीच पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राजधानी में जल जमाव पर अपनी सफाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछली वर्षा की भांति इस बार ऐसी कोई विकट स्थिति नहीं देखने को मिली है जिसकी आलोचना करे। उन्होंने कहा कि भारी बारिश होने पर जल निकासी के लिए 6 से 8 घंटे का समय लगना लाजमी है और वही हुआ। निगम ने चंद घंटों के भीतर जल जमाव वाले क्षेत्र में जल निकासी को सुनिश्चित करा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशक में यह पहली बार हुआ है कि पटना जैसे शहर में सीवरेज का काम नए सिरे से किया जा रहा हो। ऑनलाइन इंटरव्यू से 650 लोगों को मिलेगी नौकरी। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए अहम सूचना। टाटा धनबाद, आसनसोल, कोलकाता, अहमदाबाद, लुधियाना आदि शहरों में बिहारी श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पटना की कंसल्टेंसी होम केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टाटा धनबाद, आसनसोल और कोलकाता में 8वीं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट 18 से 50 साल के 400 सिक्योरिटी गार्ड तथा अहमदाबाद और लुधियाना में 8वीं और मैट्रिक पास 18 से 45 साल के 250, इसके साथ ही मेल हेल्पर की आवश्यकता के मद्देनजर 30 तारीख को जिला नियोजनालय में ऑनलाइन जॉब कार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी सूचना से जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने दे दी है। उन्होंने बताया है कि संक्रमण के कारण भौतिक रूप से जब कैंप का आयोजन नहीं हो सका, ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड तथा अन्य पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 30 जून तक अपना बायोडाटा लेकर नियोजनालय में संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूसरी आंख का भी हुआ ऑपरेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राजधानी दिल्ली में अपनी आंख के इलाज को लेकर स्थित हैं। वहां पर उनकी एक आंख का ऑपरेशन पहले हो चुका था, जिसके बाद बीते दिन उनके दूसरे आंख का ऑपरेशन कर दिया गया है। दिल्ली एम्स में नीतीश कुमार की दूसरी आंख का सर्जरी सफल रहा। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली आंख की सर्जरी शुक्रवार को कराई गई थी। डॉक्टरों ने एक दिन के अंतराल के बाद आज दूसरी सर्जरी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंखों से जुड़ी समस्या को लेकर दिल्ली इलाज के लिए गए थे और डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी थी। नीतीश का दौरा पहले 3 दिनों का था, लेकिन बाद में सर्जरी के फैसले के बाद उनका दौरा हफ्ते भर का बढ़ गया है। आपको बता दें, दिल्ली एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस टीटीएल की निगरानी में करीब 3 घंटे तक आंख की सर्जरी चली थी। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने हाल ही में नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अपनी सरकार की स्थिरता पर सत्तारूढ़ दल इतना सशंकित क्यों रहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आ रही है, उस पर हंसी आती है। अगर आप अपनी सरकार की स्थिरता को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो बेचैनी का इतना पर्दाफाश क्यों हो रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार हिलने वाली नहीं है, तो कोई कहता है कि डोलने वाली नहीं है। ऐसे बयान सिर्फ प्रवक्ताओं की तरफ से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ कहलाने वाले नेता भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव की रिहाई का आंदोलन हुआ उग्र। कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच बीते दिन पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उनके कार्यकर्ता काफी उग्र नजर आए। रविवार को राजधानी के कोतवाली थाने में जेल भरो प्रदर्शन किया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पप्पू यादव की रिहाई पेट्रोल डीजल के मूल्य पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने, युवा बेरोजगारों की महंगाई भत्ता देने और कोविड-19 से मृत परिवारों को 4 लाख का मुआवजा राशि देने के लिए और कृषि को मनरेगा से जोड़ने वाला और जल जमाव को स्थायी समाधान की मांग के साथ हजारों की संख्या में नेताओं ने गिरफ्तारी कर दी है, जिसके बाद करो मरो जेल भरो अभियान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह, युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर, आनंद सिंह, रामचंद्र सिंह यादव, पूनम झा, सुप्रिया खेमका, सतेंद्र पासवान, पुरुषोत्तम गौतम आनंद, सनी, मनीष यादव, विशाल कुमार सहित हजारों की संख्या में लोगों ने गिरफ्तारियां दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने दुखी लोगों को बताया नया वेरिएंट। कोविड-19 के माहौल में वेरिएंट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बीच बिहार से निकले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दुखी लोगों के वेरिएंट का जिक्र किया है। इसके तहत उन्होंने बीते दिन अपने ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं। पहला अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, तीसरा दूसरों के सुख से दुखी और नया वेरिएंट है बिना बात खामखा मोदी से दुखी। जिसके बाद ट्विटर के सभी यूजर उनके ट्वीट के आखिरी लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से जोड़ते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया यूजर ने तो सवाल भी किया कि क्या आपकी घर वापसी की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा पहले भाजपा के साथ थे। बिहार में कोविड-19 के मिले 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 185 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2141 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, अरवल में 2, औरंगाबाद में 1, बांका में 2, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 2, भोजपुर में 2, दरभंगा में 11, ईस्ट चंपारण में 5, गया में 6, गोपालगंज में 4, जहानाबाद में 1, कटिहार में 3, खगड़िया में 2, किशनगंज में 7, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 3,
मधुबनी में 10, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 4, नवादा में 2, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 10, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 4, नवादा में 1, पटना में 15, पूर्णिया में 16, रोहतास में 4, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 16, सारण में 3, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 7, सुपौल में 7, वैशाली में 12, वेस्ट चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,21,000 सैंपल की जांच की गई। वहीं 292 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोविड-19 को बताया बहरूपिया। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश का संबोधन किया, जहां पर उन्होंने कोविड-19 को लेकर कई सारी बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक पर चर्चा की शुरुआत की और महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यदि कोई कह रहा है कि कोविड-19 चला गया है और आप इस भ्रम में नहीं रहिए, क्योंकि बिल्कुल कोरोना टीकाकरण लगवाइए, क्योंकि कोरोना वायरस यह बहरूपिया बीमारी हो गया है। बिहार के थाना में जांच के इंतजार में पड़े हैं लाखों केस। बिहार के थानों में केस की फाइलें लाखों की संख्या में पहुंच गई है। राज्य में थानों में लंबित मामलों की संख्या हर साल घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। बिहार के 1,064 थानों में करीब 1,96,000 आपराधिक मामले अभी भी लंबित है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना में है। राजधानी पटना के बाद गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिला में लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक बताई गई है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 305 ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया है जो दशक भर से लंबित पड़े हैं। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5 दर्जन से अधिक ऐसे थाने हैं जहां 500 से 1,000 के बीच मामले लंबित हैं, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर और गया के कई थाने हैं। लगभग 1 दर्जन थाने ऐसे हैं जो लंबित मामलों की संख्या जहां पर 1,000 से अधिक है। हाजीपुर में सुल्तानपुर के दलित बस्ती में पिता की जयंती मनाएंगे चिराग। इन दिनों लोजपा में पारिवारिक कलह जारी है। इसी बीच 5 जुलाई को रामविलास पासवान का जन्मदिन आने वाला है। इस मौके पर पार्टी में पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं हाल ही में निकल कर आई जानकारी के अनुसार 5 जुलाई को चिराग पासवान अपना दम दिखाने वाले हैं, जिसके तहत चिराग पासवान बगावती चाचा पशुपति कुमार पारस के संसदीय इलाका हाजीपुर में पासवान चौक के पास सुल्तानपुर गांव में, जहां पर दलितों की बस्ती है, वहां जाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने दे दी है। हालांकि कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। टमाटर को बिना जहर वाली सब्जी 1820 में आज के दिन स्थापित किया गया। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक टीएस नारायण स्वामी को 2008 में इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का जन्म 1921 में आज के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का जन्म 1976 में आज के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी ने दुनिया को अलविदा 2012 में आज के दिन किया। पूर्व चयनकर्ता ने हार्दिक पांड्या की जगह इस खिलाड़ी को ऑलराउंडर बनाने की कही बात। पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता संदीप सिंह ने हाल ही में ऑलराउंडर को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय टीम हार्दिक पांड्या पर अधिक निर्भरता छोड़कर शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, विजय शंकर और शिवम दुबे जैसे युवाओं को मौका दे। भारतीय टीम को हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम के गेंदबाजों के संयोजन को लेकर नुकसान झेलना पड़ा था, जबकि न्यूजीलैंड के पास 4 शानदार तेज गेंदबाज थे। भारतीय टीम के स्पिनर्स मैच अपना जलवा नहीं बिखेर पाए थे, इसीलिए आप सिर्फ हार्दिक पांड्या पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको नहीं पता कि वो सभी प्रारूप में गेंदबाजी करने के लिए कब सेट होंगे, तो ऐसे में शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर को बढ़ावा देना चाहिए। विजय शंकर और शिवम दुबे भी हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, नंद कुमार सिंह, रवि कुमार, कुंदन राय, राकेश कुमार, संतोष कुमार, सुजीत रॉय, नंद कुमार सिंह, प्रिंस राणा, लालू यादव, शकीर अहमद, चंदन कुमार, वैष्णवी कुमारी, सकल देव पांडे, फिरोज आलम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार डीडी बिहार के माध्यम से बिहार बोर्ड के छात्रों को पढ़ाने का फैसला छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूले। धन्यवाद।